नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग आज से बात करने वाले हैं कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, कक्षा छठवीं की आपकी दो एनसीईआरटी पहले भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। कौन कौन सी? पहली थी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक, और दूसरी थी आपकी हमारा अतीत फर्स्ट। और इन दोनों बुक्स से संबंधित आपके जितने भी लेक्चर बने हुए हैं वो सभी एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। तो चलिए, पृथ्वी हमारा आवास है, इस बुक्स के चैप्टर देख लेते हैं हम लोग, विषय सूची कि हम लोग पढ़ेंगे क्या आखिर। तो ये कक्षा छठवीं की है, याद रखना है। पहला हमारा चैप्टर रहेगा इसमें सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा रहेगा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठवां है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां है हमारा देश भारत, आठवां है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, यह है आपके 8 चैप्टर, याद रखना है आपको। ये हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इन्हें खत्म करेंगे। याद रखिए, फिर से बता देता हूं कि कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी एनसीईआरटी लिखी गई है, एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, इसलिए या तो आप लोगों के पास जो भी सुविधा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लेक्चर ही सुनिए, लेक्चर ही जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास अगर किताबें उपलब्ध हैं तो उसे एक दो बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग लेक्चर एक दो बार सुन लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें समझाने लायक ज्यादा कुछ है भी नहीं है, और जो समझाने लायक है वो मैं बता दूंगा जितनी मेरी कोशिश रहेगी हर संभव, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। तो इससे पहले हम लोगों ने जो खत्म कर चुके हैं वो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा इसमें सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसका फर्स्ट लेक्चर है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है सौर मंडल में पृथ्वी? याद रखना है आपको कि आपको इन बुक्स को एक बार मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, आराम से समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, दिख रही पृथ्वी ये है, ये आपका सूर्य है, सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर आपका यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है, ये आपके सभी ग्रह हैं, देखते रहिए। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाते अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकती वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग तिथियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप उसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं
को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। याद रखना, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यह इन्हीं कॉन्सेप्टों को क्लियर करने के लिए हम लोगों को सलाह दी जाती है कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नॉर्मल सी जो किताबें लिखी हैं इनके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये जो भी किताबें हैं आपकी, ये आपका बेस क्लियर कर देती हैं, बेस मजबूत कर देती हैं। ठीक है, जिस तरह मकान बनता है तो नींव भरी जाती है ना, उसी की तरह है ये। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब यहाँ आप लोगों ने फिर से देखा होगा कि जो तारा है आपका, इसकी अपनी ऊष्मा भी है और प्रकाश भी है। ठीक है, इन्हें ही आप लोग तारा कहते हैं। ठीक, सूर्य भी, जैसे कि आपका सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ध्रुव तारा। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि बड़े नक्षत्र आरसा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, उससे इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। याद रखना है आपको, यार पता है मेरे यहाँ एक खेत पर काम करने वाला रहता था, तो एक बार मौसम थोड़ा ऐसे ही था, ऐसा ही नॉर्मल मौसम था, लेकिन उसने बोला कि पानी बरसेगा 1 घंटे बाद। तो पता है ऐसा ही हुआ, उसी 1 घंटे के बाद बारिश होने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता था, तो बोला कि ये सूर्य निकला हुआ था, इसी से मैं अंदाज लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब वो पता नहीं कैसे टाइम, अगर वो उसने बोल दिया कि अभी 12 है, उससे पूछो कितना बज रहा है, 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, वो क्लियर टाइम बताता था। बस 5-10 मिनट का फर्क हो सकता है, तो लोग पहले इसी तरह पता कर लेते थे। ठीक, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे ये, देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से विकसित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। याद रखना, तारों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, और जो पिंड होते हैं ग्रह होते हैं, उनका प्रकाश और उनमें ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से विकसित होते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी हमारा एक ग्रह। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता
करती है। हमने बताया था आप लोगों को, हम लोगों देखा भी था आपने कि सूर्य एक तारा है, ठीक है, और पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी का अपना कोई ऊष्मा और विकास नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से विकसित होती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली चमकती हुई प्रतीत होती है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक। अब इसे हम लोग कैसे देखेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा मदद करनी होगी, ठीक है। क्या करनी होगी, देखना पड़ेगा। आप, ये आपका सूर्य है, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन रोलेट करते रहिए, ठीक है, स्क्रीन आप बदल लेंगे तो हो जाएगा। ये आपका सूर्य है, उसके बाद आपका बुध है, फिर ये आपका पृथ्वी, फिर शुक्र, क्या है, शुक्र, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक। बुध के बारे में आपको याद रखना है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, कितने दिन में, 88 दिन में अपनी अक्ष पर घूर्णन, बुध है आपका जो ग्रह, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, कितना, 88 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन लगाता है, ठीक है। फिर आपका शुक्र है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 255 दिन में लगाता है, कितने में, 255 दिन में, और अपने अक्ष पर शुक्र घूर्णन करता है 243 दिन में, ठीक है। पृथ्वी जो है आपकी, ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का टाइम लेती है, और अपने अक्ष पर एक दिन में 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम लेती है, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या, मतलब इसका एक उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 दिन लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में एक, कितना लेता है, एक दिन। चंद्रमा की संख्या इसमें दो है, ठीक है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, ठीक है। फिर आपका वो जो बृहस्पति है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल के करीब लेता है, अपने अक्ष पर ये घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है, ठीक है। बृहस्पति, चंद्रमा की संख्या इसकी 16 थी पहले, लेकिन अब बढ़ गई, 82 के करीब हो गई शायद, ठीक है, क्लियर कर लीजिए, 82 शायद है। शनि है, शनि के भी बढ़ गए, पहले शनि के ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन शनि के भी बढ़ गए, बृहस्पति भी। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में, चंद्रमा की संख्या 30 से अधिक है, ठीक है, पहले शनि के ज्यादा हुआ करते थे, अब बृहस्पति के भी ज्यादा हुआ है सर, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, क्लियर, मुझे जन एक का 79 है सर, एक का 82, अब आप भी कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए अगर जिसे भी कंफर्म मालूम चल जाए, ठीक है, क्योंकि दूसरा देखे तो उसे भी पता चल जाए। बाह्य ग्रह सूर्य के से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है। बाह्य ग्रह जो आपका यूरेनस है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। और नेपच्यून है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन में पूरा करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है, ठीक है, याद रखें। आगे हम लोग बात करते हैं आसमान, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारा पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं।
पुराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर से संबंधित, इसलिए सौर के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर के परिवार को क्या कहते हैं? सोलर, सूर मंडल। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। हम दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, यह दो ग्रीकों से। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ अधिक। लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, मेट्रो पृथ्वी का मापन, आइड ये पृथ्वी के अनुरूप। सौर मंडल, अब जानते हैं हम लोग सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि यहाँ क्या समझाने की कोशिश की गई है, सौर मंडल किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ लिख दिया, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, किसका? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के सदस्यों को खोजने रहस्यों को खोजने में लगे हुए। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है? इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, किसके? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यह पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन,
मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब याद रखना कुछ रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो है आपका चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसेट, IRS और एडुसेट। ठीक, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह में कक्षा में प्रवेश, मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। विज्ञानकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। फिर है आपका ये आपके, ठीक है, क्षुद्र ग्रह देख लिया। फिर है आपका उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस विक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। इस पट्टी को, यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी परिकल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये आपके अभ्यास के लिए है। क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उनके बारे में देखते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा इसको PDF को। ठीक है, वहां से रख लीजिए आपके अपने पास। ठीक है।
देखते रहिए। ठीक, था हमारा फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। अब आगे हम लोग बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की, पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी कक्षा 6वीं की बुक्स है उसी के बारे में। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके थे, कौन सा था वो? वो था आपका सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं हम लोग ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, फिर से याद रखिए, ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है हमें। एक बार नॉर्मल सुन लेना लेक्चर या फिर कोई चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद दूसरी बार अगर आपको समझ में ना आए तब दिमाग लगाना। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही एक दो बार देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में समझाई गई है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, या उत्तर उत्तर दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक द्वितीय रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं, तथा तो गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो घुमाता है ना अपना पहिया उसी पर रखकर, तो उसी तरह ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों, उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या बता रहा है? आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनमें जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। वो क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाले सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जैसे ये देख रही है आपकी, ये है आपकी विषुवत रेखा, पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट देती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिण वाले भाग आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे लाइन है, इस तरफ आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आपकी विषुवत रेखा। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है।
विषुवत विद शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो है आपकी 0 डिग्री अंश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत से जो विषुवत रेखा है या वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है तथा इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के उस साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर ओ या दक्षिण को शॉर्टकट में दाक्षा से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरी जोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटल विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में, यानी कि आपका इसमें मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री है आपका, तो यहाँ है आपका ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर और इस तरफ आपका 20 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ है आपका होरिजोंटे बेलो होरिजोंटे, ये दक्षिण अमेरिका का शहर। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। ये आपका उत्तरी अक्षांश में है, ये आपका दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आपका पता है आपको कि अगर विषुवत रेखा से इस तरफ है तो आपको उत्तरी अक्षांश लगाना अनिवार्य है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इस तरफ अगर मकर विषुवत रेखा से दक्षिणी की ओर है तो दक्षिण में यहाँ लगाना पड़ेगा आपको 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक, अब आप देख लीजिए इसमें ये आपका उत्तरी ध्रुव हुआ है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपकी दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये आपका ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपकी है मकर रेखा, आपकी ये विषुवत रेखा हुई, ये आपकी कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। ठीक है, आपका उत्तरी ध्रुव शीत उत्तरी शीत कटिबंध है, ये आपका दक्षिणी शीत कटिबंध है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण की अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। कौन सी है? ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 60 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव
एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षेत्र से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीतकटिबंध कहते हैं। ठीक, देख लीजिए एक बार मैम, ये आपका दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ये आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ये उत्तरी शीत कटिबंध है। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं हम लोग देशांतर, क्या देखेंगे देशांतर, ये है आपकी देशांतर। ठीक, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखा को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, यह है आपकी देशांतर रेखा। ठीक है, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को याद रखिए, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। वे अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर या मुत्र आपस में मिलती हैं। कहां? ध्रुवों पर। फिर से याद देख लीजिए, ये आपकी यह मिल रही है ध्रुवों पर। देखिए सब आपके 30 डिग्री पूर्वी हो, फिर चाहे 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 हो, ये सभी आकर यहाँ मिल रही हैं। इस तरफ से पश्चिमी डिग्री की सभी आपकी मिल रही हैं। ठीक है, अक्षांश समांतर में रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर यमुत्रों की लंबाई समान होती, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वैधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमुत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमुत्र को फिरमुख यमुत्र माना गया है। क्या? फिरमुख यमुत्र माना गया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्वी पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। फिरमुख यमुत्र तथा 180 यमुत्र मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर पा व्यक्त करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम यमुत्र एक ही रेखा पर स्थित हैं। सुनिए, 180 पूर्वी और 180 पश्चिम यमुत्र जो देशांतर है वो एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब गिलोक पर अक्षांश रेखाएं देशांतरीय यमुत्र के द्वारा बनी गेट को देखें, ये आपकी। ठीक, दिख रहे, ये 0 डिग्री यमुत्र है। ठीक, और ये आपकी विषुवत वृत्त रेखा है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम, असम में धुबरी, क्या है धुबरी, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति पता करेंगे। अब जैसे आपकी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी है, यहां होगी आपकी ऊपर, कहां होगी, यहां होगी आपकी, ये आपकी
यहाँ लगभग, या कि क्योंकि 90 डिग्री देशांतर है, पूर्वी देशांतर, और ये आपकी 26 डिग्री यहाँ से जाएगी लगभग, तो यहाँ होगा आपका असम, ठीक है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं देख ही लिया हम लोगों ने, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा डा ना अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचे खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आवा सा तथा धा नामों से व्यक्त करें। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं, ठीक है। जैसे हमारा भारत हो, तो हमारा भारत है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, इस गोलार्ध में आपका स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपका पृथ्वी का एक बार मानचित्र देख लीजिए। जैसे ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दिख रही, देखने का कोशिश कीजिए। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड और ये आपका इंग्लैंड, ठीक है, और ये हिंद महासागर, ये आपका भारत है, चीन है, रूस है ऊपर, ये ऑस्ट्रेलिया है प्रशांत महासागर। ये आपकी ग्रीन बीच जाती है इंग्लैंड से ऊपर यहाँ से, ठीक है। अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं, इंडिया तरफ, एशिया तरफ, तो आप आगे बढ़ेंगे समय में, और पीछे इस तरफ अगर आप जाते हैं तो पीछे बढ़ेंगे, पीछे टाइम जाएगी, टाइमिंग, ठीक। अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो 12 से, जैसे 12 बजा हुआ है यहाँ इंग्लैंड में ग्रीन बीच पर, ठीक है। तो इस तरफ जाओगे तो 1 बजेगा और इस तरफ जाओगे तो 11 बजेगा, ठीक है। भारत, आपका भारत का समय ग्रीन बीच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। ये है आपका, अगर आप इस तिथि रेखा से इस तरफ जाएंगे तो जैसे यहाँ अगर सोमवार है तो इस तरफ जाओगे तो मंगल, और इस तरफ जाओगे तो रविवार होगा, अमेरिका की तरफ रविवार होगा और अपने तरफ मंगल हो जाएगा। देशांतर और समय, समय को मापते समय का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यामोत्र पर सूर्य किस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी आपकी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, अतः अब इस स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, उस उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। हम लोगों ने देखा है समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 कितना 360 घूम डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री, 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे बजते हैं, तब ग्रीन बीच से 15 डिग्री पूर्व में समय होता है, यानी कि 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीन बीच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीन बीच से 15 पश्चिम का समय ग्रीन बीच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे, ठीक। इस प्रकार जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाई गई समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान है। याद रखना है आपको, जैसे आपका 23 डिग्री है तो
23 डिग्री देशांतर। तो 1 डिग्री आपका, जो 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर होता है। अगर आप 1 डिग्री आगे बढ़ गए तो आप 4 मिनट आगे बढ़ गए, ठीक है। अगर 15 डिग्री आप आगे बढ़ गए तो 1 घंटा आगे बढ़ गए, ठीक है। तो 1 4 मिनट में आपका 1 डिग्री के बराबर होता है। अलग अलग यामूत्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारिणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य में भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामूत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामूत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.30 मिनट पूर्व को मानक यामूत्र माना गया है। इस यामूत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि आपकी इलाहाबाद के पास से नैनी से गुजरती है। यहां से देखिए, ये आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। कभी कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो वे लोग आज राति में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय में से 5 घंटे 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 मिनट होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय रेखाएं निर्धारण की गई। उदाहरण के लिए रूस के पास 11 मानक समय रेखाएं। रूस ने कितनी मानक समय रेखाओं को अपनाया? 11 को। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। याद रखिए, भारत में भी चर्चाएं चल रही, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो मांग उठा रहे हैं कि 2 रेखाएं होनी चाहिए, ठीक। तो अभी चुनाव में, जब भी चुनाव आते हैं तब ये उठता है सवाल। तो ये था हमारा इसके, अब देख लेना कुछ इसके अभ्यास के क्वेश्चन है। ये सभी लगा लेना। तो ये था हमारा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियां। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से, जो आपकी कक्षा 6वीं की बुक्स है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक आपके 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला था सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें बात देखना है हमें पृथ्वी की गतियां, क्या देखना है? पृथ्वी की गतियां, ठीक है। आराम से पढ़िए, ज्यादा टेंशन मत लेकर पढ़िए, ठीक है, समझ में आता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन, दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। इसका मतलब हुआ, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे घूर्णन कहेंगे। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, सूर्य के चारों तरफ घूमेगी, तो उसे हम लोग परिक्रमण करेंगे। पृथ्वी
पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल गोली के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन और जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। समझ में आया कि जब सूर्य की रोशनी आधे हिस्से पर पड़ेगी तो वहां दिन होगा और जिस हिस्से में नहीं पड़ेगी वहां रात होगी। ठीक है, तो जब अपने यहाँ रात होती है भारत में तो इसका मतलब ये होता है कि सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिल रही है, हमारे जो दूसरी तरफ पृथ्वी का हिस्सा है उस पर दिन होगा आपका। ग्लोब पर वह भेद जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति भेद कहते हैं। यह भेद अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 यानी कि 3.2 चित्र में देख रहे होंगे। यह आपकी दिन है या इस तरफ आपका रात है, ये भारत अफ्रीका यूरोप की तरफ दिन है और आपका अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की तरफ उत्तरी अमेरिका की तरफ रात है। ठीक, क्योंकि इस तरफ सूर्य की रोशनी इस तरफ पड़ रही, जब ये घूमेगा तो इस तरफ आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, तो वहां दिन होगा और ये इस तरफ पहुंच जाएगा रात होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेते हैं। घूर्णन के समय का काल को पिति दिन, पृथ्वी एक दिन दिन कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ कुछ दिया गया उसे भी देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान बनाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर में एक्स में अंधेरा हो। गेंद को बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखेंगे तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, यह सूर्यास्त है। समझ में आए कि जब सामने रोशनी आएगी तो वहां दिन होगा और रोशनी नहीं आएगी तो रात होगी। जैसे जैसे रोशनी दूसरी तरफ सूर्य घूमता जाता है, सूर्य पृथ्वी आपकी घूर्णन गति करती रहती है, तो जैसे ही सूर्य की रोशनी पृथ्वी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है तो वहां दिन हो जाता है और पहले जहां थी जहां सूर्य की रोशनी थी वहां रात हो जाती है। ठीक, अब आपका ये चित्र पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ये अब आपका विषुवत भेद है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। सूर्य की तरफ जो भाग है पृथ्वी का उसमें हमेशा दिन बना रहेगा अगर घूर्णन नहीं करेगी पृथ्वी तो, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो हमेशा अंधेरा रहेगा। पूरे समय ठंड पड़ेगी, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवन के लिए ठंड भी जरूरी है, सूर्य भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो प्रकृति ने जिस तरह बनाया है उसी तरह चलता रहे तो अच्छा है, अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो इसका परिणाम और प्रभावित सब लोग होते हैं। ठीक, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की जो गति सूर्य को की चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं साधारण शब्दों में। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 दिन में सही 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं इसमें।
तो अपना घूर्णन कितना है, 24 घंटे में करती है, और परिक्रमण 365 दिन। ठीक है, अब इसे देख लीजिए कुछ। ये आपका सूर्य है, ये रोशनी इस तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु होगा। दक्षिणी आया नांद, ये आपका 22 दिसंबर को, फिर शरद ऋतु होगी इस तरफ, और वसंत ऋतु ये आपका होता है विषुवत 21 मार्च, और उत्तरी आयतंत्र अनंत ये 21 जुलाई 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और शीत ऋतु आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और शरद ऋतु आपकी 23 सितंबर विषुवत वसंत ऋतु, और इस तरफ शरद ऋतु। ठीक है, जैसे भी सूर्य की रोज जिस तरफ किरणें जाएंगी उस तरफ उसी तरह दिशा निर्धारित होती रहती है वहां की दशा भी। ठीक है, क्योंकि अगर रोशनी गई तो वहां गर्मी पड़ेगी स्वाभाविक है, और अगर रोशनी जाना बंद कर दी तो नॉर्मल सी बात है कि ठंड पड़ेगी वहां, वहां मौसम बदलेगा। चार चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। आपने देखा होगा 4 साल में एक बार ऐसा महीने आता है फरवरी का कि वो 29 दिन का होता है। कितने? 29 दिन का। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, इसमें एक और, अगर 4 का भाग जिस तिथि रेखा में चला गया, जैसे 2000 अभी 20 है, ठीक है, तो अब कब होगा आपका 4 का? अगर 2020 में पूरा भाग चला जाता है तो इसे लीप वर्ष कहते हैं, अगर नहीं गया तो आपका नॉर्मल वर्ष है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्म, शरद, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पेन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले के कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को आगे के साथ घुमाएं घुमाया जाए। अब तो कागज आती कागज पर बनेगी, वह दीर्घवृत्त होगा आपका। ठीक है, यह है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तब उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के पहले के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन दिनों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, जबकि सबसे छोटी रातें होती हैं दूसरी तरफ। पृथ्वी यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, पृथ्वी यही आपकी सबसे छोटी रातें होती हैं। ठीक है, जिस तरफ सूर्य पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर कुछ दक्षिण ध्रुव के सूर्य दक्षिण ध्रुव कि सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है कि वहां रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है?
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे आप विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, यह कुछ दिया गया। इसे एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं, छड़ी से लगा हुआ एक झंडा लगाएं, झंडा लें, दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से सूर्य स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को स्थिर बिंदु की तरफ रखें, रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले। इस प्रकार पृथ्वी की अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट, याद रखिए कि आपका सूर्य तो स्थिर है, लेकिन आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति है, जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये आपके अभ्यास क्वेश्चन है, इन्हें देखते रहिए। ठीक है, ये भी है, और ऐसा करिए पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिए, देखते रहिएगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक, तो ये आपका था तीसरा चैप्टर। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की, पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसे देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी तक हम लोग पृथ्वी की गतियां देख चुके थे, तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करना है मानचित्र के बारे में। मानचित्र आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तत्व हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग प्रमाणों से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित करेंगे हम लोग। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें, देखें कि इस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। मानचित्र की बात कर रहा है, मानचित्र में पहला हमारा भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, जिसमें हम लोग पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों का अध्ययन करते हैं, जिस मानचित्र में उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है।
थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और मिति। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले चित्र कहते हैं हम लोग। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दर्शाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे देखिए, ठीक है, इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआ एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए तक नहीं पहुंच जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम और एम से बी, बी से ए को मापते हैं, सभी दूरियों को जोड़ देते हैं। या करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी निकल आएगी। ठीक है, दिशा क्या है? दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सा? ये, सॉरी, ये, ठीक है, उत्तर को दर्शाता है। यह तीर का निशान उत्तर को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चार मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है इस चित्र में। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम, ये पूर्व। ठीक है, बीच की चार दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व जिसे उत्तर पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम।
इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। ठीक है, यह आपका दिक्सूचक प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक चित्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों को एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र इसमें दर्शाए गए विभिन्न रंगों का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया गया है। ये आपका रेलवे, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ये आपकी बड़ी लाइन हो गई, ये छोटी मीटर लाइन हो गई और आपकी ये रेलवे स्टेशन। ठीक, सड़कों की बात करें तो ये आपकी पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये आपकी पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला इस क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय ये राज्य और ये जिला की हो गई। नदी, कुआ, तालाब, नहर, पुल, क्रमशः ये नदियां हो गई, एक कुआ है आपका, तालाब, नहर, नहर और पुल। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये आपका मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये आपका छतरी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेली ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस। बस्ती, बस्ती, कब्रिस्तान, ये बस्ती है आपकी, ये कब्रिस्तान है। पेड़, घास, ये आपके पेड़ हैं, ये बगल में घास है। ठीक है, रेखा चित्र, अब बात करते हैं रेखा चित्र के बारे में। किसके रेखा चित्र? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, खाका, एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी अध्याय से संबंधित टेलीग्राम पर डली हुई है पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो देखते रहना। ये था हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर। आगे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल के बारे में। ठीक है, पांचवें चैप्टर में। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की, पृथ्वी हमारा आवास है के नाम से जो आपकी कक्षा छठवीं की बुक्स है उसे देख रहे हैं हम लोग।
तो अभी तक इसमें चार चैप्टर खत्म कर चुके हैं बातचीत तक। इसमें बात करने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है कि जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिसे हम जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम लोग रहते हैं ठोस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल। गैसों की परत जो पृथ्वी की कुछ चारों ओर से घेरती है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। इसमें पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। याद रखिए, यहाँ समझाने की कोशिश क्या की गई है, भूमंडल बहुत ही साधारण शब्दों में समझा दिया गया। इसी लिए बोलता हूँ मैं कि जो भी आपकी कक्षा 8वीं तक की NCERT बुक्स हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी गई हैं, वो आपके बहुत ही साधारण शब्दों में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हैं। ज़्यादा रटने की इसमें जरूरत नहीं होती है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेने की। अब यहाँ देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का जिस वह भाग जिस पर हम रहते हैं, ठोस जो भाग है, उसे क्या कहते हैं, भूमंडल। अब वायुमंडल किसे कहते हैं, गैसें की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो घेरे हुए हैं वो उसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, आप सभी को पता होगा, उसे हम लोग जलमंडल कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, वायुमास का अर्थ होता है जीवन, ठीक। भूमंडल क्या कह रहा है, भूमंडल के बारे में, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को समुद्र जल का तल सभी जगहों समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मापा माना जाता है। ये है आपका, देखिए ये है आपका प्रशांत महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये है आपका दक्षिणी महासागर, ये आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, ये आपका आर्कटिक महासागर। ये सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। हम यहाँ आ गए हिंद महासागर, ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर। फिर और महाद्वीप की बात करें तो एशिया है आपका, ठीक है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, और यहाँ आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका है, ठीक, ये आपका एंडीज पर्वत, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में फैली हुई है, और यही आपकी अमेजन नदी है। रॉकी पर्वत आपका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। अपलेसियन पर्वत भी आपका उत्तरी अमेरिका में। एटलस आपका दक्षिणी अमेरिका में है, सॉरी अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका में, नील नदी भी अफ्रीका में, और आल्पस आपका है यूरोप में। आल्पस कहाँ है, यूरोप में। हिमालय आपका यह है पर्वत भारत एशिया में है, ठीक है। कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे आपका तुर्की हो, यूरो एशिया सॉरी रूस हो, ये यूरोप में भी कुछ इनका भाग आता है,
कुछ एशिया में भी रहते हैं। ठीक, यहां याद रखिए, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समतल तल से मापा जाता है। कहां से? समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है आपका समुद्र तल से 8,848 मीटर है, सिक्किम में, सॉरी नेपाल में है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त, जो आपकी प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। वछंदी पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ठीक है, ये पॉइंट है, कुछ वन डे एग्जाम में इस तरह के पूछ लेते हैं, आपको भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, हम लोग देख चुके हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सभी महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। महाद्वीप हैं आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखा हमने, इसमें पाएंगे एशिया, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा उस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व का मानचित्र को देखेंगे तो हम पता चलता है। ठीक है, याद रखना है, आपको पूछ कई बार पूछ चुका है क्वेश्चंस वन डे एग्जाम में कि तीन तरफ से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो याद रखना है यूरोप। कौन सा? यूरोप। अफ्रीका, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना है आपको, यह एक ऐसा महाद्वीप है कि जिससे आपका होकर कर्क रेखा भी जाती है, विषुवत रेखा जाती है, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कहां से? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीपों महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका मानचित्र देखेंगे, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। ठीक है, यह आपका प्रशांत महासागर है। एक रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, अपलेसियन पर्वत है उत्तरी अमेरिका में ही, अमेजन नदी है आपकी दक्षिण अमेरिका में, और आपका एंडीज पर्वत है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, मकर रेखा, ये तीनों आपकी देखिए अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। ये आपका अंटार्कटिका हुआ है दक्षिणी महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये आपका यूराल पर्वत है, यूरोप हो गया,
ये यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा है, ये एशिया है। तो याद रखिए कर्क रेखा आपकी भारत से भी गुजरती है और एशिया से भी, ठीक है, एशिया से गुजरेगी तो भारत से, ठीक है। अब बात करते हैं अभी उत्तरी अमेरिका के बारे में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे हम लोग पनामा जलसंधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये है आपका स्थल जनसंधि। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। स्थल जनसंधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जलसंधि पानी का संकरा भाग होता है। जलसंधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़े जल राशि जैसे समुद्र समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत है, देखिए आपका श्रीलंका है, ये आपकी जलसंधि है। दक्षिणी अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है इसका, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से, पूर्व और पश्चिम में आपका इस तरफ आपका प्रशांत महासागर है, इस तरफ अटलांटिक महासागर है, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर मतलब से अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग जलमंडल, किसके जलमंडल, ये महासागर हो गए आपके, ये पीने योग्य पानी हो गया ये, ठीक है। कितना है पीने योग्य पानी, ये है 0.03 PTC। हिम चादरों तथा भूमि भूगर्भ में संचित जल कितना है 2.47 PTC। अब देखिए कितना पानी मात्र हमारे पास पीने के लिए 0.03 PTC पीने योग्य है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का उपयोग बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमानियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलबड़ जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास 0.03% मात्र पीने योग्य पानी है। अंटार्कटिका ये हो गया आपका, ये अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, ये आपका एशिया, ठीक है। अब बात करते हैं महासागर, किसके महासागर के बारे में। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः पांच महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, याद रखना कौन सा प्रशांत सबसे बड़ा है, जो शांत होता है। अब आपसे भी इसकी तुलना की जा सकती है कि अगर आप बड़े हैं तो हमेशा शांत रहेंगे। ठीक है, प्रशांत, जितना बड़ा जितना शांत। फिर आपका अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका उस इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोतासरों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत का नाम के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, हिंद महासागर की। ठीक है, दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका की उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये आपका जो मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मंदल मंडल हो गया, ये आपका आयन मंडल हो गया और वायुमंडल। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक गैसों से, हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 16,000 सॉरी वायुमंडल 1,600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल हमारा 1,600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर पांच परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से ऊपर शुरू करते हुए जो मंडल फिर है आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतरोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर
सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक ताप महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो आपकी है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जहां उच्च दाब होगा उसकी तरफ से निम्न, जिस तरफ वायु दाब होगा उस तरफ बहेगी। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील जो वायु होती है उसे पवन कहते हैं। ये आपका जल मंडल, स्थल मंडल और ये आपका वायुमंडल। ठीक है, बात करते हैं जीव मंडल के बारे में। इसके जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े होते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और फिर पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाना, तो इस काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाते। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग को की आवश्यकता होती है। ठीक, इस चैप्टर से संबंधित आपके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं इन्हें देख लेना। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक भी नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, जिससे अगर हम एक दो बार पढ़ें तो आराम से समझ में आ जाए। ये तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ली गई है ना, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और 9 से जो 12 तक की बुक्स हैं आपकी, उन्हें थोड़ा मन से पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाकर, क्योंकि उन्हीं मेन हमारे लिए वही है 9 से 12। ठीक, ये तो केवल हमारा बेस क्लियर करने के लिए, मजबूत करने के लिए सलाह दी जाती है पढ़ने की। ठीक, तो ये था आपका 5वां चैप्टर। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो याद रखिए, इसमें हम लोग करीब आपके 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप के बारे में। ठीक है, याद रखिए आप लोग कि आपकी जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित लेक्चर होंगे वो सभी एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में मिलेंगे। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। ये है, देखिए क्या है, ये आपकी नदी मुहाने हैं, ये आपका डेल्टा है, नदियां बनाती हैं जो, ये समुद्र है आपका, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वह स्थलाकृति होती है जिससे चारों तरफ से या तीन तरफ से जलराशि घिरे हुए रहती है। ठीक है, ये स्थल भाग होता है, ये स्थल संधि है, तट है आपका, जल संधि है, ये द्वीप है।
और ये आपके मैदान है, ये सहायक नदियां हैं, ये नदी है मुख्य, इसकी ये सहायक नदियां, ये आपके पठार हो गए, ये पर्वत हो गए, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं, घाटी हो गई ये आपकी, ये पहाड़ी है और ये आपकी झील है। ठीक है, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल स्वरूप स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पिथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है। पहाड़ी वह स्थलीय होता है, याद रखिए पहाड़ी वह स्थलीय होता है, स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है, उठी होती है ऊपर। ठीक है, 600 मीटर क्या है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम है, जैसे आपका हिमालय की चोटी है 8,000 से ऊंची, माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये हम लोग देख ही चुके हैं। दूसरी या बाह्य विक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। ये आपका नदी या जल द्वारा हो सकता है या वायु द्वारा हो सकता है। पृथ्वी की सतह जब टूट कर घिस जाती है तो अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत, आओ कुछ करके पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए, कागज को मेज पर रखिए, कागज को अपने हाथ से दोनों तरफ से दबाइए, कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे इस तरह। ठीक है, इस प्रकार आपको आपने एक पर्वत बना लिया इस तरह। ठीक है, ये बच्चे बना रहे हैं इसी तरह। मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, वो बहुत ही साधारण शब्दों में आपके कॉन्सेप्ट, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर किया गया है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग एक दो बार सुनिए या फिर कहीं से आप लोग पढ़िए, बस एक दो बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पर्वत, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, हिमानी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। वहां पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम लोग श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्पस, एंडीज क्रम से आपका एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सा, हिमालय आपका एशिया में, आल्पस आपका यूरोप में और एंडीज आपका दक्षिणी अमेरिका में। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, धरणसोर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस आपके वलित पर्वत हैं। जो हिमालय आपका पर्वत है वो आल्पस, ये वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की जो अरावली श्रेणी है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की विक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेसियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं।
इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बेंसोत पर्वत। ठीक है, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हर्ष्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को दोड़ी का भैंस ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की रायन घाटी तथा बॉस जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है आपके। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखकर इस प्रकार भू आकृतियों की कुछ और उदाहरण बताने, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजीयामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। ऊपर कुछ चित्र हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ये है आपका भूपर्पटी वलित पर्वत हिमालय। ठीक, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे है। इसकी ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है। एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है आपका कौन सा, मोनाकी पर्वत, ये प्रशांत महासागर में स्थित है आपका। ठीक है, उत्खंड द्रोणिका भैंस ये है आपकी। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोम, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ये हैं, अत्यधिक दाब से मेघमा का निर्माण होता है, क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, क्या है, इससे किनारों से निकलती पिघलती चट्टाने लावा कहलाती है, ये लावा बम। ज्वालामुखी राख भाप और गैस एवं बादल है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने में होता है। इसके पठार, अब करते हैं हम लोग बात पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। ये दिख रहा है ना आपको, किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों का प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरो जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के कई जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ तथा खेती के लिए काफी अच्छी होती है। काली मिट्टी कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर है आपके मैदान, क्या है, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान जो आपके होते हैं ये समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः
मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हुई उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से आपके मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र मैदान यह है आपका मैदान, ठीक है, समतल भूमि। अब बात करते हैं स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने करके हम इनमें आने वाली वाली खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रयास हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। इससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अभ्यास करते रहना इनका। याद रखिए आपकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, ठीक है, वहां से डाउनलोड करते रहिए। तो ये था हमारा छठवां चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आगे हम लोग देखेंगे हमारा देश भारत। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग सात छह चैप्टर खत्म कर चुके हैं। सातवां चैप्टर हमारा है हमारा देश भारत के बारे में, ठीक है। हमारा देश भारत, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हमारा हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये आपका बीच में भारत है, उत्तर में हिमालय है आपका, इस तरफ आपका अरब सागर है, इस तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी है यहाँ, और आपका नीचे हिंद महासागर लगा हुआ है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत
भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारे हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हमें एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। प्रायद्वीप बात कर ही लिए थे पहले भी हम लोग। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह आप समझ रहे कि इसी तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ये बुक्स। कक्षा 8वीं तक की आपकी जो भी बुक्स हैं नॉर्मल हैं, इसी तरह आपकी। देखिए प्रायद्वीप कितनी सरल भाषा में लिखा गया है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है, प्रायद्वीप है आपका। किस तरह? ठीक है, अब बात करते हैं स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत आपका कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। समझ रहे हो? दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी पूर्व देशांतर के बीच है। आपको याद रखना है 84 से लेकर 376 और 68 687 से 97 25 तक। ठीक है, इसे किसी तरह आप लोग याद रख लिए। 84 376 68 7 से 97 25 तक। ठीक है, यहाँ उत्तरी अक्षांश लगाना आपको जरूरी है। जब इंटरव्यू में पूछे तो आपको उत्तरी अक्षांश लगा लेना। ठीक है, पूर्वी ओर अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बड़े देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री के कारणों यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय पर बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 5 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं आपके। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। इस यामूत्र को भारत का मानक यामूत्र भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7, कनाडा ने 6 मानक समय रेखाएं निर्धारित की हैं। ठीक, रूस ने 11। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें हम लोग तो 7 देशों की स्थलीय सीमा इनकी सीमाओं से जुड़े हैं। भारत से कौन कौन से देश लगते हैं? आपका अफगानिस्तान लगता है पीओके वाले हिस्से से, पाकिस्तान लगता है आपका, याद रखना कि सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से केवल पीओके वाले हिस्से की, और सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से। ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये आपका म्यांमार है। ठीक है, और आपका यहाँ श्रीलंका है, पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है श्रीलंका। ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप है, और ये आपका लक्षद्वीप है, मालदीप है। ठीक है, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि हमारे देश से कि सभी राज्यों का क्रम, और हमारे देश से जो भी राज्य अन्य देशों से लगते हैं उन्हें भी याद रखना है। अब क्या बात करेंगे हम लोग, याद रखिए 2020 में हम लोग एक बुक्स देख रहे हैं तो आपका जो जम्मू कश्मीर है इसे दो भागों में बांट दिया। 2019 में आपको पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब आपके 28 राज्य बचे हुए हैं, पहले 29 थे। ठीक,
तो ये आपका जम्मू कश्मीर, यही लद्दाख हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ मतलब पंजाब, ये हरियाणा है, उत्तराखंड, दिल्ली है आपका, यह उत्तर प्रदेश है, ये आपका राजस्थान है, यानी कि ये राजधानियां हैं याद रख लेना आप, गुजरात है आपका, ये मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, गोवा, यही मुम दमन एवं द्वीप, फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी आपका दो भागों में बट गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये उड़ीसा है आपका, पश्चिम बंगाल, ये आपका असम, यहाँ आपका सिक्किम है, ये आपका भूटान लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, वो आपका ये त्रिपुरा है, ये आपका मेघालय, ठीक है, ये है आपके देश, राज्यों जो राज्य लगे हुए हैं देशों से, जैसे आपका पाकिस्तान से याद रखना, गुजरात भी लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, चार राज्य अपने पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, ठीक है, ये सभी देख लेना आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, इनमें से देख लिया, दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, पाक जलडमरी जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले बांटा गया था, ये बहुत पहले का हुआ है याद रखना, अभी आपके 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, तो अब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप, ये आपका हिमालय है दिख रहा, शिवालिक है आपकी श्रेणी, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, ये चंबल नदी है, यमुना नदी, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपकी अरावली श्रेणी है, भारतीय महा मरुस्थल, इसमें याद रखना, ये आपकी पर्वत पहाड़ियां पहाड़ियां श्रेणी है जो लाइन के रूप में, ठीक है, आपकी जितनी भी लाइन है, और ये पर्वतीय भाग है आपका, पर्वतीय प्रदेश, ये पीले रंग में आपका पठारी प्रदेश है, ये पठारी प्रदेश, और ये आपका मैदानी प्रदेश है, ठीक, ये आपका तटीय प्रदेश है, पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक, कृष्णा नदी है, दक्कन है, गोदावरी है, ये ताप्ती नर्मदा सतपुड़ा रेंज है, ये कच्छ की खाड़ी है आपकी, खंबात की खाड़ी है आपकी, गंगा नदी यहाँ डेल्टा बनाती है, ठीक है, और एस्चुरी बनाती है आपकी नर्मदा ताप्ती, ये लक्षद्वीप सागर देख लिया था, अंडमान निकोबार सागर, ठीक है, आपके ये देख याद रखना, ये आपकी सिंधु नदी पाकिस्तान में, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक, दिल्ली भारत की राजधानी है, आपको पता है, राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, राज्यों को जिलों में बांटा गया है, अब देखिए ये दी गई है, जलोढ़ निक्षेप, अब इतने कितनी सरल भाषा में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती जाती है, सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, सहायक नदी कहती है, इसमें कहां आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी हुई। बात करते हैं भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय, संतरी का कार्य करता है,
हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। सबसे ऊपर ऊपरी स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? बेहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है। फिर आपका मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। आपके पांच पहाड़ियां पहाड़ी स्थानों के नाम पर नाम है यहाँ, ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय के दक्षिण में आपका उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल या समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने नदियों के। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है। यहां देख लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदियों के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति आपकी त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला की स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है आपकी अरावली, याद रखना है। अरावली जो श्रृंखला है आपकी सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर आपकी नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला लोहा ऐसे की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। या पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है, याद रखना आपको। बहुत सी लड़कियों के नाम नदियों के नाम पर होते हैं, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या प्रवाल, अब इसे याद रखना। प्रवाल छोटे समुद्रों के समुद्री जंतुओं के कंगाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, कंकाल बच जाता है। अनपॉलिप की वृद्धि में इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीपों को ठीक है, सुनामी। एक सवेरे बड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर बढ़ाया। समुद्र में उठा आलोड़न मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे भागे बचाने अपना अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ तीक्ष्ण सहायता में पीड़ितों के। यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी। फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। इन्होंने
कविता लिखी हुई है। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप समूह है। और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ आपके भूकंप सुनामी आदि रहती है। ठीक, ये आपके इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे पाक जल संधि किन किन को देशों को अलग करती है, भारत एवं श्रीलंका, याद रखिए। पता है आपको इस तरह के पाक जल संधि से संबंधित क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम में बहुत आते हैं, क्योंकि पाक पूछ लेता है पाक जल संधि किन किन देशों को अलग करती है। तो लोग क्या करते थे कि भारत और पाकिस्तान लगा देते थे, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि पाक नाम है तो पाकिस्तान को अलग करती होगी, लेकिन ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये था हमारा देश भारत। आगे हम लोग देखेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति, वन प्राणी। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग अभी तक 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हैं भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसके साथ समाप्त होने के बाद आज तक हम लोग 3 किताबें आपकी एनसीईआरटी की खत्म कर चुके हैं। पहली हम लोगों ने देखी थी कक्षा छठवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, हमारा अतीत भाग 1। फिर इसमें यही हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, एक और हमारी बुक बची हुई है विज्ञान। तो इसके खत्म होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान के बारे में। ठीक, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार में पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर भी देखते हैं तथा अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम आपका कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों की बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों आप खाना गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, इसे क्या कहते हैं, सर्दी। मार्च से मई तक गर्म मौसम, इसे क्या कहते हैं, गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, इसे हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु कहलाता है। अब याद रखिए, अब इसमें समझाने लायक है क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब आप लोग एक बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है, इसे क्या कहते हैं, ठंड का मौसम या सर्दी। मार्च से मई तक का गर्म मौसम, गर्मी होती है, इसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, तो इसे वर्षा ऋतु कह दो। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, तो इसे शरद ऋतु हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यही शीत ऋतु है आपकी। जब उत्तर भारत का तापमान कम हो जाएगा तो ठंड पड़ेगी। समझ में आया? फिर है आपका ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे हम लोग लू कहते हैं, और गर्म जब रहेगा तो उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं
दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा करती हैं। जब आपकी पवने आएंगी इसमें आपकी वो नमी लाएंगी तो पहाड़ों से टकराएंगी, यही आपकी वर्षा करेंगी। मानसून के लौटने के समय मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है या मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। मानसून के लौटते समय तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द आपका अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून शब्द जो आपका ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी वर्षा से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। इसीलिए हमारे देश की कृषि को मौसम का युवा कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। स्थिति स्थान की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है तो याद रखना है उसकी स्थिति ऊंचाई समुद्र से दूरी उच्चावच पर निर्भरता। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्वास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंड। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व के में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, तो आपकी मेघालय में सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादक जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास झाड़ियां पौधे जो कि बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पतियां, मैंगो वन। ये है आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के
अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता भी हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्व राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एवोनी तथा रोज बूढ़े हैं। फिर आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं हम लोग। ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं आपके साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये हैं आपके, ठीक है। फिर आपकी कंटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, गुजरात में पाई जाती हैं कंटीली झाड़ी, ठीक है। ये है आपके। फिर है आपके पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन, देवदार, ठीक है। ये पर्वतीय वन है आपके। फिर है आपके मैंगो वन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके मैंगो वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा, ठीक है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? हमें वनों की आखिर आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार के वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन भी प्राप्त होता है। लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वनोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ये है आपके पेड़ों से लाभ होने वाले। दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, मिट्टी को बांधना, ठीक, रबड़, इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, गोंद, लाख, फल, शहद, ठीक, ये आपको पेड़ों से मिलने वाले फायदे। बात करते हैं वन्य जीव, वन प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह आपका बाघ दिख रहा है। यह देश में विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरे, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक खास जगह में कुछ मतलब महत्वपूर्ण पशु हैं जैसे सींग, एक सींग वाले गैंडे आपके असम में, ठीक है। जैसे प्रसिद्ध है मतलब आपके जैसे गिर में गुजरात के गिरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए, ठीक। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि यही हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में
पक्षियों की भी ऐसी पिछुड़ता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं, उद्यान जो होते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा और करेत प्रमुख हैं। आपके वनों की कटने तथा जानवरों की शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए आपके नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित किए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजना शुरू की है। ठीक है, आप वन्यजीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। में आपका वन्यजीव चला था टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अभी रिपोर्ट आई हुई है 2018 की, तो 1967 आपके 2967 आपके कुल टाइगर हैं। ठीक, जिनमें से मध्य प्रदेश में सबसे 525 625 सॉरी। ठीक, प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन कैन स्टॉक, फिलेपिंगो, मिंगो, पिनटेल, बतख, करलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रैन साइबेरिया से सितंबर से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। इससे संबंधित आपके एक क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेना, ठीक है, अभ्यास के लिए है। याद रखिए आपकी जो भी PDF थी वो टेलीग्राम पर पहुँच चुकी है। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। तो ये थी आपकी पृथ्वी हमारा आवास जो बुक्स थी, आज तक हम लोग खत्म कर चुके हैं उसे। आगे हम लोग शुरू करेंगे कक्षा छठवीं की NCERT विज्ञान के बारे में। ठीक है।